एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील आज औरंगाबाद से कई मुस्लिम संगठनों के साथ मुंबई आ रहे हैं। बाबा रामगिरी और नीतीश राणे ने पिछले दिनों मुस्लिम समाज के लिए जो भी कहा है उसके विरोध में मुस्लिम संगठन आज मुंबई में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मुंबई पहुँच रहे है। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील के साथ सैकड़ों कार का माफिला साथ चल रहा है। ये सभी लोग नासिक में जमा हो रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि वो मुंबई के अंदर नहीं पहुंच सके। मुंबई एंट्री पॉइंट पर मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जो भी एआईएमआईएम के नेता या फिर मुस्लिम संगठन मुंबई में घुसने की कोशिश करेंगे उन सभी को मुलन चेक नाके पर रोका जाएगा ताकि वो मुंबई में एंट्री नहीं कर पाए। बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस के लोग मौजूद है और बैरिनेट लगना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकत हो रही है वो सरकार द्वारा ही की जा रही है। महाराष्ट्र में खुलेआम मुस्लिमों को गालियां दी जा रही है, क्या इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसलिए हम मुंबई तक मार्च करने जा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि ये देश कानून से चलता है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर कानून बने कि कोई भी किसी की जाति, धर्म, महापुरुष के बारे में कोई गलत बात नहीं करे। इन लोगों ने नीतीश राणे जैसे लोग छोड़ रखे हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी।